हेलो एंड वेलकम टू फिल्मी बीट। दोस्तों, इंडियन आइडल 12 सीज़न काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में रह चुका है। जी हाँ, आपको बता दें कि जब से सीज़न शुरू हुआ है तब से कंट्रोवर्सीज़ का नाता और इंडियन आइडल का नाता एक दूसरे से टूट ही नहीं रहा है। एक बार फिर से एक नई कंट्रोवर्सी में फंस गया है ये सीज़न। चलिए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस बार क्या हुआ है। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा ताकि आपको मिल सके सारी लेटेस्ट गॉसिप एंड अपडेट। दोस्तों, इंडियन आइडल का 12वां सीज़न जितना पॉपुलर है उतना ही विवादों में भी है। शुरू होने के 4 महीने के भीतर ही शो कई विवादों में फंस चुका है। लोगों ने शो पर पहले सवाई भट्ट की गरीबी दिखाने और फिर म्यूजिशियन एंड सिंगर संतोष आनंद की लाचारी का इस्तेमाल कर TRP के लिए मेकर्स की खिंचाई भी की थी। वैसे इस बार के सीज़न में जितने भी कंटेस्टेंट आए हैं वो कोई भी नए खिलाड़ी नहीं है। हर एक सिंगर कोई ना कोई रियलिटी शो जीत चुका है। अब शो की एक और सिंगर सयाली कामले का पुराना वीडियो विवादों में आ रहा है। आपको बता दें कि मुंबई के टाटा नगर की निवासी सयाली को लेकर लोग अब आरोप लगा रहे हैं। सयाली के बारे में मेकर्स ने सवाई भट्ट की तरह ही झूठ बोला है। दरअसल शो में एक एपिसोड के दौरान सयाली ने कहा था कि उनके घर में TV नहीं है। इसके बाद जैकी श्रॉफ वाले 14 मार्च के एपिसोड में सयाली ने एक गाने पर परफॉर्म किया था, जो गाना था मुझे तुमसे है कितने गिले। परफॉर्म करने के बाद सयाली ने कहा था कि वो जैकी श्रॉफ की तरह एक बस्ती चौल में रहती हैं। इससे पहले भी शो के कई एपिसोड्स में दिखाया गया है कि सयाली एक गरीब परिवार से है और उस परिवार से निकलकर वो शो तक पहुंची है। साथ ही शो में ये भी दिखाया गया कि वो कैसे गरीब परिवार से निकलकर, जो कि उनके फादर एम्बुलेंस ड्राइवर हैं, वो इंडियन आइडल के मंच पर धमाल मचा रही हैं। लोग इस तरह के कमेंट्स भी कर रहे हैं और उन पर सवाल उठा रहे हैं। हालांकि सयाली का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सयाली सुरेश वाडकर जैसे दिग्गज सिंगर के साथ मंच पर परफॉर्म कर रही हैं। वीडियो वायरल होने के बाद लोग कमेंट कर रहे हैं कि सुरेश वाडकर के साथ मंच साझा करने वाला शख्स कोई छोटा मोटा इंसान नहीं होगा, एक प्रोफेशनल सिंगर की तरह ही वो गाना गा रही हैं। लोगों का कहना है कि अगर मेकर्स को पुराने और प्रोफेशनल सिंगर की पहचान नहीं है तो वो इस तरह के कंटेस्टेंट्स को लाकर शो में लोगों का बेवकूफ बना रहे हैं और वो एक बेहतरीन सिंगर को लाकर परफॉर्म करवाते हैं ताकि इंडियन आइडल के मंच को लोग और ऊपर उठकर देखें। वेल, TRP के लिए ये सब हो रहा है और इस पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं इंडियन आइडल के मेकर्स को लेकर और शो के जज को लेकर, जिसमें नेहा कक्कड़ जैसी बड़ी हस्ती भी शामिल है। फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आप क्या कहना चाहेंगे शो से जुड़ा हुआ, हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन।